नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की। जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो पिछले कई दिनों से परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि पेंशन नहीं मिली है। बरानी गांव बताया जा रहा है हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वहाँ का ये गाँव बताया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक इस बात तक पहुंचाया जा सके। 2020 की 3 महीने की पेंशन रुकी है और 2021 की भी 2 महीने की पेंशन होगी जी। हाँ। और 5-7 आदमी की आ जाए, उसके बाद बाकी की आमदनी जी। हाँ। जब भी हम यहाँ पता कराइए, यहाँ सत्यवान जी के पास अफसर है जो यहाँ, उनके पास आवा, वो चंडीगढ़, उन्होंने हमारे सामने भी फोन करे, लेटर भी भेजा, रिमाइंडर भी भेजा, कई बार फोन करवा दिए उनके, मगर उन चंडीगढ़ वाले पर कोई असर ही नहीं होता इस बात का। माता बहने गरीब हैं, लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, वो आ नहीं सकती। उनके बारे में फिर कोई जिम्मेवार आदमी आवा तो हम कई बार आ लिए, सरपंच रतन सिंह ये भी सर कई बार आ लिया। तो ये तो चंडीगढ़ फोन करता, रिमाइंडर भेजदा, लेटर भेजदा, मगर हमारी पेंशन नहीं आई। अच्छा, पिछले 6 महीने से ऐसे ही घूम रहे। कारण तो ये कुछ हमें तो कारण का तो पता ही नहीं जी। असल में अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी ये बोलते हैं भाई तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा होया है तो उसकी वजह से कुछ त्रुटियां आ रही हैं। तो त्रुटि तो पिछले 1 साल से बदल गया जी, वो भी बैंक भी जी। तो कितने समय से लगातार आ रही थी पेंशन आपके पास? पहले 6 महीने तो ये होगी जी, और पिछले नवंबर दिसंबर और अक्टूबर। तो सारे एक ही गांव के हैं सारे? इसके अलावा 4-5 गांव हो रहा जी। अच्छा। समाणा बहु है, मचूरी है, बराना और बराणी खालसा जी। हाँ। 4-5 गांव ये हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है सत्यवान जी, वो क्या कहते हैं आप? वो तो बेचारे जब भी आए, जब भी उन्होंने आगा चंडीगढ़ फोन करया। हाँ। रिमाइंडर लेटर लिखा भेजा। हाँ। मारे सामने कई बार फोन कर दिया उन्होंने चंडीगढ़। तो फॉल्ट कहाँ पर है? फॉल्ट ये चंडीगढ़ है जी, वहाँ से नहीं आंदी पेंशन। अच्छा। पूरा कागज देखा जावा, आप आधार कार्ड की कापी दे जो, बैंक की कापी दे जो, इले जब भी आवा वो ले लेते हैं, मगर उतना जाता कुछ नहीं जी। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूँ भाई, हमारी जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन दिलवाई जाए। पीछे 6 महीने की, 5-6 महीने की रुक, किसी की 5 की रुक रही, किसी की 6 की रुक रही, किसी की 4 की रुक रही, इस प्रकार से पेंशन रुकी है जी। तो विधायक धर्मपाल गोंदर से नहीं मिले आप? गोंदर साहब पे गए थे जी, वो आज मीटिंग में गए हुए हैं। इससे पहले कभी नहीं मिले? नहीं, उससे पहले नहीं मिले जी। उससे पहले नहीं? क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह जी। तो ये आप देख सकते हैं, महेंद्र इनका नाम है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, देखिए खबर बहुत बड़ी है, हरियाणा के करनाल जिले से आ रही है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है। और ये देखिए किस प्रकार से काफी जो महिलाएं हैं, ये देख लीजिए, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या में काफी महिलाओं की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है। जिला सचिवालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं जो हैं चक्कर काटती हैं। माता जी कितना समय हो गया आपको चक्कर काटते हुए? बहुत दिन हो गए, 6 महीने के बेटा चक्कर काटते थे, ना कोई पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता? आते ही नहीं, नुकाते ही नहीं, पीछे से आते ही नहीं, पीछे से ऐसे ही चले जाते हैं। कौन से गांव से हैं आप? बरानी से ही। हाँ जी, बरानी से ही। हाँ जी। अच्छा, तो कितने समय से पेंशन नहीं मिल रही है? 6 महीने हो गए। और कब लगी थी आपकी पेंशन? बहुत दिन किया, मेरी तो बुढ़ापे किया। कब लगी थी आपकी पेंशन? विधवा किया गया ना, मेरी तो बुढ़ापे किया। बुढ़ापे किया। तो ये देख लीजिए बुढ़ापा पेंशन किस प्रकार से इन सभी महिलाओं की, बुढ़ापा पेंशन लग तो जाती है लेकिन अब नहीं मिलती। कितने समय से? 6 महीने से नहीं मिल रही है। 6 महीने से नहीं मिली। तो इसी तरीके से चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर? चक्कर आए महीने चक्कर काटती हूँ, आए महीने चक्कर काटती हूँ, देखते नहीं है। विधायक से नहीं मिले, धर्मपाल गोंदर जी से नहीं मिले? नहीं, बैंक से मिली नहीं, कहते हैं पीछे थे, आती नहीं है। हाँ। चले जाते हैं, नहीं उनके साथ में क्या लड़ाई करें जी। तो ये देखिए ये हालात हैं हरियाणा के, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है। माता जी कितना समय हो गया है आपको पेंशन नहीं मिलने के? 6 महीने हो गए। आपको कितना समय है? 6 महीने। कौन से गांव से हैं आपको जी? बरानी है। 6 महीने के भाई। 6 महीने हो गए मिली नहीं पेंशन आपको? आपको जी 6 महीने हो गए। आपकी कौन सी पेंशन? विधवा की है जी। विधवा की भी नहीं मिल रही? ना जी, वो भी नहीं मिल रही। चलिए आपको, आपको जी? मेरे भी विधवा की है जी, 6 महीने हो गए मिली। कौन से गांव में रहते हैं आप? बरानी में रहते हैं। आपको जी? आपको भी 6 महीने हो गए जी, हम एक ही गाँव के यहाँ सारे। अच्छा। हाँ। बुढ़ापा पेंशन? हाँ, बुढ़ापा। माता जी आपको जी? मेरी बड़े पेंशन भी है और विधवा भी है, मेरी कोई चीज नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है? आपकी कौन सी है? विधवा की है, मेरी भी मिल रही, बरानी थे। आपकी दी? बुढ़ापे की है जी, मेरी तो 6 महीने हो गए, मैं चक्कर काट दे रहा हूँ, कहा पाछे तो नहीं आई। हाँ।
मिली। ये देखिए किस प्रकार से काफी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा तंग हैं। इनको जो है पिछले कई दिनों से बुढ़ापा पेंशन समय रहती जो मिलनी चाहिए थी वो इनको नहीं मिल रही। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी देखें कि किस प्रकार से उनके हरियाणा के जिला की अगर मैं बात करूं, करनाल जिला की अगर मैं बात करूं, तो किस प्रकार से यहां पर कार्य हो रहे हैं। आखिरकार क्या फॉल्ट रहा होगा, क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर कुछ और, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आरोप अवश्य लग रहे हैं कि जो समय रहते पेंशन मिलनी चाहिए थी वो इनको नहीं मिल रही। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन से गाँव से हैं आप? बुरानी से। बुरानी से नहीं मिली पेंशन ना। बुढ़ापा पेंशन है? हाँ। अच्छा, कितने समय पहले पेंशन लगी थी आपकी? वो तो 6 महीने गए। 6 महीने गए तो। अच्छा, 6 महीने हो गए। 6 महीने गए, मिलती नहीं। नहीं मिलती ना। आपकी जी? 6 महीने गए सारे के एक ही। अच्छा। एक ही गांव बरानी गांव में आपका? हाँ, सारे बरानी के जरूरत काम किया पिल से मास्ता रे बेटे। हाँ, फिर 6 महीने के बने ये बूढ़े ठहरे के कर सका। हाँ, और पिलसन का और जो से बुजुर्गों का अम्मा पड़े उनका के जतन बेटे उन्हें भी इसके बच्चे जरूर है। बड़े बड़े और जिनकी माँ इतनी इतनी विधवा इतने बच्चे हैं जो से जाती विधवा माँ क्या के सारा अपने बच्चे न पालेंगे बेटे। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? हम तो अपनी पिलसन लेना चाहूँ, क्या कहना चाहूँ हम तो आ जोड़ी भाई मारी पिलसन दो ऐसा कर 6 महीने हो गए लागू कर दो मारी पिलसन। होनी चाहिए बेटे। फिर दवाई भी आ गई। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहां पर इस वक्त पहुंची हुई हैं हरियाणा के करनाल जिला सचिवालय में और गुहार लगाती हुई सरकार को अवश्य नज़र आ रही है, अधिकारियों को गुहार लगाती हुई आ रही है। ये देखिए सबके हाथ में आप ये देख सकते हैं आधार कार्ड है, तमाम तरह के जो दस्तावेज़ है वो इनके हाथ में हैं और पिछले 6 महीने से की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास पेंशन नहीं आ रही। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें। कहाँ से हैं आप? बरानी गांव से। अच्छा, कितने समय से नहीं मिल रही पेंशन? पिछले 10 महीने तो 6 महीने से नहीं मिल रही है। 6 महीने से नहीं मिल रही। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 बंदे गया जा कभी 2 आ गया जा कभी 1 किया जा मई जून समूची पेंशन नहीं मिल रही। 6 महीने से बीच में एक दो मिला देंगे। हाँ जी, पैसे पहले लगातार आते थे बुरानी से। हम सब जितने भी पब्लिक है ना हमारे तो बुरानी से। तो नहीं मिल रही ना? मिल रही है। तो अधिकारी से बात हुई? हाँ, इन्होंने किया भाई और नहीं। हाँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं अभी कोई। तो बेहद ही दुखद विषय जरूर है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी देखें कि किस प्रकार से आखिरकार लापरवाही कहाँ हुई है, अधिकारियों की तरफ से हुई है या फिर कुछ और फॉल्ट है। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जा सके। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहेगा करनाली 24।